बच्चों, आप लोग पांचवी कक्षा से छठी कक्षा में आ गए हैं। मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। आप पहले से नहीं जानते होंगे मुझे, या फिर जानते भी होंगे, फिर भी एक बार मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। मेरा नाम मिसेस सीमा कुमारी है और आज से मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। और आज मैं प्रथम भाषा के बच्चों को पढ़ाने जा रही हूँ। प्रथम भाषा, सबसे पहले आप लोग अपने सामने एक टेक्स्ट बुक ले लीजिए, हिंदी टेक्स्ट बुक, एक रब बुक और पेंसिल, पेन नहीं पेंसिल, वहाँ आप अपने पास लेकर बैठ जाइए। जैसा कि मैं क्लास में भी आप लोगों को बोलती हूँ कि शांतिपूर्वक बैठिए, वैसे ही आप घर में भी हैं फिर भी आप लोग शांतिपूर्वक बैठिएगा, ठीक है। अब चलिए, अब मैं आप लोगों को पाठ दिखाती हूँ। सबसे पहला पेज यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आप लोग देख रहे हैं, इसमें दिया हुआ है साथी हाथ बढ़ाना। अब यहाँ पे क्या क्या पिक्चर दिया हुआ है, क्या क्या चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में देखिए कि एक औरत है, फलों की टोकरी है, सब्जी है उसमें, और वो बच्ची जो है उसकी मदद कर रही है। क्यों? क्योंकि उसे वो नहीं उठाया जा पा रहा है, क्योंकि वो भारी है इसलिए वो नहीं उठा पा रही है, वो बच्ची जो है उसकी मदद कर रही है। आपके सामने भी अगर कोई बुजुर्ग इंसान काम कर रहा हो और उसे मान लीजिए एक बकेट पानी उठाना है, उनसे नहीं उठाए, क्या आप उसकी मदद नहीं कीजिएगा? कीजिएगा, वैसे ही वो बच्ची भी उसकी मदद कर रही है। फिर देखिए, एक बुजुर्ग आदमी उधर से जा रहा है, यानी बूढ़े व्यक्ति को सड़क पार करनी है, तो एक बच्चा उनका हाथ पकड़कर सड़क पार करवा रहा है। क्यों? क्योंकि उधर से गाड़ी आ रही है, वो बुजुर्ग हो सकता है कि रास्ते में वो गिर जाए, कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो बच्चा उनका हाथ पकड़कर धीरे धीरे सड़क पार करवा रहा है, जैसा कि आप लोग भी कर सकते हैं या फिर करते होंगे। अब आगे पेज निकालिए, आगे पेज में दिया हुआ है आपको पाठ पढ़ाया जाएगा, इसमें कविता है साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला इंसान काम कर करके थक जाएगा, अगर आप उसकी मदद कीजिएगा तो उसका बोझ जो है वो हल्का हो जाएगा और वो आसानी से उस काम को कर सकता है। जैसे घर में मम्मी ही, अगर मान लीजिए कि चार कमरे हैं, मम्मी झाड़ू लगाने के लिए निकलते हैं, बेचारी झाड़ू साफ कर रही है, वो थक जाएगी। अगर आप उनसे झाड़ू लेकर, आ ठीक है मम्मी मैं एक कमरे की सफाई कर देता हूँ, दूसरे बच्चे हैं, दूसरा भाई बहन है, वो कहेगा ठीक है मम्मी मैं एक रूम, वो भी एक कमरे की सफाई कर रहे हैं, उसे क्या होगा, मम्मी का काम जो है वो आसान हो जाएगा। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। कहते हैं हम मेहनत वाले जब भी एक साथ मिलकर कदम बढ़ाते हैं तो अपने आप सागर रास्ता छोड़ देता है, अपने आप रास्ता सागर छोड़ देता है, पर्वत जो है वो भी हमारे सामने झुक जाता है। कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, अगर आपके सामने आ जाता है, आप लोग में सब मिलकर एकता में ही कहा जाता है बल होता है, अगर आप लोग मिलजुल कर एक साथ काम करते हैं तो अपने आप वो इंसान सामने से हट जाएगा। नहीं, इन बच्चों में वो करने की क्षमता है, ये बच्चे कर सकते हैं इसलिए वो हट जाते हैं, वो भी अपना शीश जो है, सर जो है वो झुका देते हैं। शीश यानी अपना सर झुकाना, सिर होता है। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। कहते हैं हमारे सीने जो है वो फौलादी है, यानी बहुत ही मजबूत है, ठोस है, हमारे बाहों में भी बहुत ताकत है, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे। अगर हम इंसान चाह ले तो पर्वत को भी चीर देते हैं, कितना भी बड़ा पत्थर क्यों ना हो उसको हम लोग तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं और रास्ता बना लेते हैं। मान लीजिए कि आप साइकिल चला रहे हो, फर्स्ट टाइम साइकिल कोई दिया आपको चलाने के लिए, अपने दोस्त का ही साइकिल लिए चलाने के लिए, और उसको बोले हम तुमको एक घंटे में वापस कर देंगे। आप जा रहे हो रास्ते में, मान लीजिए कि रास्तों एक जगह बहुत कांटे बिछे हुए हैं, आप क्या करोगे? सबसे पहले आप साइकिल से उतरोगे, सब वो कांटे फटाफट उसमें आपको कोई भी काम बड़ा नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपको साइकिल चलानी है, अपने दोस्त को वापस भी तो देना है, इसलिए आप उस कांटे को उठा करके फेंक दोगे, उसके बाद साइकिल चलाओगे। वही कहते हैं जब हमारा इरादा मजबूत होता है तो हम चट्टानों को भी
तोड़ सकते हैं और उसमें भी अपना राग बना सकते हैं। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर कर। कहते हैं मेहनत अपने लेख की रेखा, यानी अपनी किस्मत की रेखा। मेहनत से हम अपनी किस्मत की रेखा को भी पलट सकते हैं। मेहनत से क्या डरना, हमें मेहनत से नहीं डरना चाहिए, हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हो, एक बार कम मार्क्स आए तो क्या कम मार्क्स आने से हम डर जाएंगे, बैठ जाएंगे, पढ़ाई छोड़ेंगे? नहीं, हम कोशिश करेंगे कि हमें और भी और आगे मेहनत करते रहना है, ताकि हमें एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। आज हमें अगर 10 मार्क्स आया तो कल 20 मार्क्स भी आ सकता है। इंसान से कोई भी काम रुकता नहीं है, वो कभी भी कमजोर नहीं पड़ सकता है। अगर आप कमजोर पड़ जाइएगा तो चुपचाप बैठ जाइएगा, नहीं तो आप मेहनत करते रहिएगा तो हमेशा आगे बढ़ते ही जाइएगा। कल गैरों की खातिर, कल दूसरों के लिए किए, आज अपने लिए करना है। कल गैरों के लिए किए थे और आज जो है अपने लिए करना है। जब दूसरों के लिए हम कर सकते हैं तो अपने लिए क्यों नहीं कर सकते? जब दूसरों के लिए आप काम कर सकते हो, दूसरों की मदद कर सकते हो, तो खुद की मदद क्यों नहीं करोगे? अगर हम चाहे तो कर सकते हैं। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपना दुख भी एक है और सुख भी, दुख में भी हम सब मिलजुल कर रहते हैं और सुख में भी हम सभी एकजुट होकर के रहते हैं, और उसी तरह से हम लोगों को रहना भी चाहिए। अपनी मंजिल सच की मंजिल, हमारी मंजिल जो होती है, अपनी मंजिल जो होती है वो सच की मंजिल है। अपना रास्ता नेक है साथी, और हमारा रास्ता जो है नेक है, यानी सही रास्ता है, हम कभी गलत काम नहीं करेंगे। और हमें अगर सही रास्ते पर चल रहे हैं तो कोई भी बाधा आएगा तो हम उसे हटा सकते हैं आसानी से। कभी भी हम उसके सामने झुकते नहीं हैं, बल्कि वो हमारे सामने से हट जाता है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया का। एक से एक एक बूंद अगर हम जमा करते हैं, मान लीजिए एक गिलास का ही उदाहरण देते हैं, एक गिलास लेते हैं, उसमें एक एक बूंद अगर आप पानी भरिएगा तो जरूर वो भर जाएगा वो गिलास में पानी। अब मान लीजिए कोई नल खराब हो जाता है, बूंद बूंद उसे टपकते रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ कोई बर्तन लगा देते हैं, कोई भी बर्तन उसके नीचे रख देते हैं। वैसे अगर गिलास वहाँ रख देंगे तो क्या वो गिलास नहीं भरेगा? एक घंटे में वो गिलास भर जाएगा। तो वही कहते बूंद बूंद, एक एक बूंद से दरिया बन जाता है। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो, यानी कि अगर छोटी से छोटी चीज को भी हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो किसी काम का नहीं है। घर में जितने भी लोग रहते हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, तो छोटे बच्चों को कभी कम नहीं समझना चाहिए। हो सकता है कभी कभी छोटे बच्चों का भी दिमाग बहुत तेज चलता है, वो भी कुछ ऐसा सुझाव दे देता है कि बड़े लोगों को अच्छा लगता है और उनका काम जो है वो सफल हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि अगर घर में कुछ भी हो, सब लोग अगर एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं तो वही काम जो है हमारे सफलता का कारण बन जाता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो ईसा बस में कर ले किस्मत। कहते हैं एक से एक मिले तो, छोटे छोटे पत्थर को अगर जोड़ दें तो वो पर्वत का रूप ले लेता, बड़ा पर्वत बन जाता है। अब ले लीजिए मकान का, जब हम घर बनाते हैं, देखते हो हम लोग सामने, कहीं भी देखता होगा तुम लोग कि घर बन रहा है, तो क्या एक ही बार में इतनी बड़ी इमारत बन जाती है? नहीं, धीरे धीरे पहले एक बनता है, फिर दो बनता है, फिर तीन बनता है, इस तरह से बहुत बड़ी इमारत लोग खड़ी कर देते हैं। कैसे? मेहनत करके, एक से एक पत्थर जोड़ते जाते हैं तो वो बड़ा सा मकान का रूप ले लेता है। अगर इंसान चाहे तो अपने बस में अपनी किस्मत को कर सकता है। इंसान, मनुष्य अगर चाहे तो अपनी किस्मत को बस में कर सकता है। कैसे? तो आप लोगों का साधारण सा एक उदाहरण दे रही हूँ कि अगर आप लोग कोशिश करें तो आप अपनी मंजिल को आसानी से पा सकते हो। अब एक बार मेरे साथ आप दोहराइए, कठिन शब्द यहाँ दिया हुआ है, मेहनत वाला, फौलादी, पर्वत, चट्टानों, लेख, खातिर, मंजिल, कतरा, दरिया।
जर्रा। अब सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको दो तीन बार आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं आप लोगों को छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ जो कि आप लोग रफबुक में कीजिएगा, अभी क्लासवर्क में नहीं करना है, अभी आप लोग रफबुक में ही कीजिएगा। सबसे पहले वर्णमाला, आप लोग तो पांचवी कक्षा में वर्णमाला पढ़ चुके हो, चौथी कक्षा में पढ़ चुके हो, यानी फर्स्ट क्लास से ही पढ़ते हैं ना। हाँ, तो अब आप लोग वही काम कीजिएगा, सबसे पहले आप लोग वर्णमाला लिखिएगा। वर्णमाला आता है बच्चों? हाँ, अगर भूल भी गए तो कोई बात नहीं, एक बार आप देख सकते हैं, पीछे आप लोग बुक में देख सकते हो वर्णमाला अ से लेके ह तक। उसके बाद संयुक्ताक्षर, स्वर अलग लिखिएगा, फिर व्यंजन लिखिएगा, फिर संयुक्ताक्षर लिखिएगा, ठीक है। फिर दूसरा मात्राएं, मात्राएं भी आप लोगों को मालूम है। सबसे पहले वन साइड अ आ ई ई लिख करके उसके बगल में हम लोग मात्रा को चिन्ह देंगे कि उसकी मात्रा क्या होगी। नेक्स्ट बारह खड़ी, बारह खड़ी कोई भी दस, अपने मन से कोई भी बारह खड़ी आप दस लिखिएगा, आपकी इच्छा, आप उसको कैसे लिखते हो, लेकिन सबसे पहले इसको दो तीन बार आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। कल फिर से मैं एक बार आप लोगों को लेसन कहूंगी पढ़ने के लिए, ठीक है बच्चों? धन्यवाद बच्चों।